साल रेगिस्तान था नहीं मगर हो गया। बाढ़ के पानी ने पूरे गांव का नाम निशान बना दिया। हवादी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। बाढ़ के पानी के पास के बलात्कार से खेती भिलक रही है। धरती ने सांस तक लेना बंद कर दिया है। फिर अगर कोई आबादी है तो केवल उस बात से भी क्या बोले। और कोई आवाज है तो केवल उन समाज से भी क्या बोले। घुसा दिया जरूर उनकी समाज सेवा और बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ये सब देखने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं। रेगिस्तान का सूखापन अब मेरे भीतर ही दिखाई देगा। भागे हाँ भागे ही तो हो गया हूं। आप लोग सही कहते हैं पागल ही तो हो गया हूं मैं। और इनकी तो मेरी शादी तक तय करती थी। मगर चंद रोटियों के टुकड़ों के बदले मेरी बच्चियों को नोच खाया उन समाज से भी राक्षस और मेरे पेट के तने फिर रो बैठा उन्हें लुटता देखता अपनी आंखों से। वो समाज के राक्षस मेरे नीली करोड़ देखने लगे और वो पेड़ के तने से नीचे उतरने लगी। मैंने रोका नहीं। भाड़ के गंदे पानी को जो पी रही थी उसकी पेट की भूख ने पति की बात को अनसुनी कर दी। बड़ी बेरहम थी साहब बड़ी बेरहम थी ये पेट की भूख। मेरे मामा ऐसा लगने लगा जैसे मेरे तन बदन में अंगारे भर गए और मैं समझ ना सका कि कब कैसे मेरे हाथ उसके गले को दबाने लगे और मेरी उंगलियां उसकी गर्दन को दबोचने लगी। हमेशा के लिए शांत कर दिया। हमेशा